हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 की हिंदी पाठ पुस्तक 23 भाग 2 कोर्स ए के गद्य खंड का प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाएंगे। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार स्वयं प्रकाश जी ने कहा है कि चारों सीमाओं से घिरे भूभाग देश नहीं कहलाता, अब कि इसके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि के मिलने से एक पूर्ण देश का निर्माण होता है और इन सब से प्रेम करने एवं इन्हें समृद्ध बनाने की भावना को ही देशभक्ति कहा जाता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सजीव व स्पष्ट मूर्ति रूप दिया है, जो अपने अपने तरीके से इस देश के निर्माण में योगदान देते हैं। इस पवित्र कार्य में केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी देश निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में कहानीकार ने बताया कि फालदार साहब को कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे इस कहानी का संबंध है। इस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, लड़के व लड़कियों का विद्यालय, एक सीमेंट बनाने का कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका समय समय पर उस कस्बे का विकास कार्य संपन्न करती रहती थी। नगरपालिका के एक सहयोगी प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की खोज करने, उपलब्ध बजट से अधिक लागत लगने तथा बोर्ड का शासन काल बहुत कम शेष रहने की वजह से इस कार्य को संपन्न करने के लिए उसी कस्बे के एकमात्र स्कूल के एक कला अध्यापक मोतीलाल जी को दे दिया गया। उस अध्यापक ने एक महीने में मूर्ति बनाकर तैयार करने का भरोसा दे दिया। लेखक ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक 2 फुट की संगमरमर पत्थर की मूर्ति तैयार कर दी। उस संगमरमर की मूर्ति में नेताजी अत्यंत सुंदर, सीधे साधे एवं मनमोहक दिखाई दे रहे। उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा वह देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दे रहे हों। उन्हें संगमरमर के चश्मे की जगह एक सामान्य वर्ष सचमुच का चश्मा पहना दिया गया था। हल्दा साहब पान खाने के लिए उस कस्बे में रुके तो वो पहली बार नेताजी की उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें हैरान करने वाली बात थी मूर्ति की सुंदर व्यवस्था। वे वहां से जाने के बाद भी मन ही मन उसी मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, जिसकी वजह से वे देश के शहीदों एवं वीरों का इतना सम्मान करते हैं। उसी तरफ आज देश के बारे में बात करने वालों का भी सभी जगह मजाक ही उड़ाया जाता है। जब दूसरी बार हल्दार साहब उस कस्बे में गए तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदल गया है तो उन्हें अत्यंत हैरानी हुई कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। लेखक ने कहा कि हल्दार साहब जितनी बार भी उस कस्बे में आए तो उन्होंने हर बार देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन नाम का चश्मे बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति का चश्मा पहनाता है तथा जब किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना होता है तो उस चश्मे को उतार लेता है तथा दूसरा चश्मा पहना देता है। सचमुच के चश्मे के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि विद्यालय के कला अध्यापक संगमरमर का चश्मा बनाना ही भूल गए। इसके बाद हल्दार साहब ने उस कला अध्यापक की सुविधाजनक स्थिति के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचा। लेखक बता रहा है कि हल्दार साहब पान वाले से यह भी जानकारी करते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र है अथवा आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक। पान वाला उनसे मजाक करते हुए कहता है कि वह लंगड़ा व पागल है, फिर वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। उसी समय उन्हें सामने से चश्मे वाला भी आते हुए दिखाई दिया। हल्दार साहब को देश के शहीदों एवं देशभक्तों को इस तरह अपमानित करते हुए बहुत बुरा लगा। तभी उनकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बहुत दुर्बल व लंगड़ा है। वह सिर पर गांधी टोपी तथा काला चश्मा पहने हुए लोहे की एक छोटी पेटी तथा बांस के एक डंडे पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर आ रहा था। वह घूम घूम कर चश्मे बेचा करता था। हल्दार साहब उस चश्मे वाले के कैप्टन नाम मानने के पक्ष में नहीं है। लेखक ने बताया कि हल्दार साहब करीब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे
और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान भी बंद थी। उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए हालदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब वहां से दुखी होकर चुपचाप चले गए। वे इस बात से भी सोचकर दुखी थे कि अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों का भी लोग अपमान करते हैं, उनका उपहास करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए स्वयं को बेचने हेतु सहज तैयार रहते हैं। 15 दिन बाद जब हालदार साहब को दोबारा आना हुआ तो वे बिना चश्मे की मूर्ति की कल्पना से ही दुखी हो उठे और वहाँ न रुकने, न पान खाने तथा मूर्ति की तरफ न देखने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि वह उस चौराहे पर गाड़ी न रोककर बिल्कुल सीधे निकाल ले। लेकिन जैसे ही वे मूर्ति के निकट पहुंचे तो वे चीख उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकट देकर छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया था। देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति बच्चों की भावना व देशभक्ति पर भावुक हो उठे तथा उनकी आंखों में आंसू भर गए।